कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कांग्रेस के मौजूदा हाल पर एक बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल सलमान खुर्शीद ने कहा है कि पार्टी संघर्ष के दौर से गुजर रही है। हरियाणा और महाराष्ट्र में होने जा रहे चुनाव में पार्टी की जीतने की संभावना ही नहीं है। भारत के पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने यह भी कहा है कि न केवल आगामी राज्य विधानसभा चुनाव बल्कि कांग्रेस पार्टी की हालत ऐसे स्तर पर पहुंच गई है कि ये अपना भविष्य तक नहीं तय कर सकती। सोमवार को सलमान खुर्शीद ने कहा है कि लोकसभा चुनावों में पार्टी की हार के बाद राहुल गांधी जल्दबाजी में पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ गए। उनकी मां सोनिया गांधी को कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया। अक्टूबर में राज्यों में चुनाव निपटने के बाद नए पार्टी अध्यक्ष पर फैसला किया जाएगा। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं सलमान खुर्शीद और उन्हीं का एक बड़ा बयान पार्टी को लेकर आया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि मौजूदा हालात ऐसे अभी कांग्रेस के नहीं है जहां पर अक्टूबर में होने वाले चुनावों में पार्टी को जीत मिल पाए, ये संभावना बेहद ही कम उन्होंने यहां पर बताई है और कहा है कि कांग्रेस को नुकसान होने की संभावना यहां पर ज्यादा दिख रही है।